खुशामदीद कहते हैं हम आपको अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म काला राज। ये फिल्म ईद उल अज़हा के मौके पर 1417 हिजरी यानी 18 अप्रैल 1997 को पंजाबी जबान में पाकिस्तान में रिलीज़ की गई थी। ये एक एक्शन टाइप फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था फैज़ मलिक ने, जबकि फिल्म के प्रोड्यूसर थे तहर वसीम सहगल और मोहम्मद फैज़ मलिक। फिल्म की स्टोरी लिखी थी पाकिस्तान के नामवर राइटर नासिर अदीब ने, जबकि फिल्म को एडिट किया था मुरीद हुसैन ने। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी थी यूसुफ पिक्चर्स, जबकि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे एवर न्यू स्टूडियो लाहौर। फिल्म के मेन रोल में शामिल थे सुल्तान राही, सैमा नूर, रीमा, नरगिस, बहार बेगम, इजहार काजी, रैम्बो। नगमा बेगम, और हुमायूं कुरैशी शामिल थे। फिल्म को म्यूजिक दिया था वजाहत अत्रे ने, जबकि फिल्म में टोटल 6 गाने रखे गए थे जिन्हें गाया था मैडम मलकत रन्नम, नूरजान और अनवर रफी ने। इस फिल्म के एक गाने को सन 2000 में आने वाली रेशमा फिल्म में नसीबोलाल ने कॉपी किया था। कॉपी गाना सुन लें। अब नूरजान का ओरिजिनल गाना सुन लें। अब इस फिल्म में सन 1995 में आने वाली बॉलीवुड की फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी का गाना कॉपी किया गया। कॉपी गाना सुन लें। अब फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी का ओरिजिनल गाना सुन लें। फिल्म का रनिंग टाइम 2 घंटे 44 मिनट और 26 सेकेंड रखा गया था। इस फिल्म में सुल्तान राही का जनाजा और उसका आखिरी दीदार भी दिखाया गया था। Allah, Allah.
बॉक्स ऑफिस पर ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।